5 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं और हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो यूपी टेट के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, तो जो भी परीक्षार्थी यूपी टेट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है? सरहपा को। आंसर क्या आएगा? सरहपा। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो दासा द तारसी, ये हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान, ये है हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, किसका है? श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास का है। हिंदी का पहला नाटक नहुस किसका है? ये गोपाल चंद गिरधर का। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक, किसकी है? ये बनारसी दास की। हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? एक घूंट, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। हिंदी के पहले बड़े कवि कौन है? तो कबीरदास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्री प्रवास जो है, ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम अगर आपसे पूछे तो आंसर आएगा बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा, इनका उपनाम है गुलेरी, भी इनको कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाथों की शुरुआत किसने की थी? तो आदिनाथ मत्स्येंद्र ने। सिद्ध कवि किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो जो है, ये खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के कितने भाग हैं? तो सगुण और निर्गुण दो भाग हैं भक्ति काल के। रामानंद के कितने शिष्य माने जाते थे? तो कुल 12 शिष्य माने जाते हैं रामानंद के। सूफी परंपरा के पहले कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद जो है सूफी परंपरा के पहले कवि हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। बारहवें रामायण में कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो दास भाव थी। मीरा की भक्ति प्रेम भाव। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, सूरदास को। ब्रज कोकिल सत्यनारायण को कहा गया। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1826 में। कहां से? कोलकाता से। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? तो 1880 में। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने कराया? इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण सिंह ने। द्विवेदी युग किनके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। उर्मिला किस कहानी का पात्र है? तो साकेत कहानी का। किसकी है ये? मैथिली शरण गुप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो सौत। नवीन किसका नाम है या उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा इनका नाम है, उपनाम है नवीन को कहा गया। छायावादी युग की पहली काव्य रचना कौन सी है? छायावादी युग की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो झरना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल से थे, मेदिनीपुर से। सूर्यकांत त्रिपाठी के प्रिय कवि कौन थे? तो तुलसीदास। प्रेमचंद के बचपन का नाम पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, धनपत राय। सूद किस कहानी का पात्र है? तो सूद जो है रंगभूमि कहानी है। किसकी है? सूरदास की। अगर आपसे पूछ ले रंगभूमि किस प्रकार की विधा है, आपको ऑप्शन में दे दे कहानी नाटक उपन्यास, ध्यान रखिएगा सूद कहानी सूरदास की है। सूद जो है पात्र है ये रंगभूमि कहानी का, और ये है आपकी सूरदास की। दीसु माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन प्रेमचंद के, ठीक है। कफन जो है
प्रेमचंद का है, उसके पात्र हैं धीसू और माधव। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1936, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेमचंद। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वयंभू कौन थे ये, तो अपभ्रंश भाषा के पहले कवि थे स्वयंभू। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मत्स्येंद्रनाथ। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था, अब्दुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, तो बाबा फरीद। अगला देखिए, हिंदी आलोचना के जन्मदाता कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से, तो इनमें आ जाते हैं कबीर, कुतुबन, जायसी और मंजन। प्रकृति के सुकुमार कवि, कई बार प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी है प्रकृति से जुड़ी हुई लिखी है। प्रेमचंद की कौन सी रचना जब्त कर ली गई थी, तो सोज ए वतन, ये रचना इनकी जब्त कर ली गई थी। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन था, तो सेवा सदन। तार सप्तक के जन्मदाता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये जो है तार सप्तक के जन्मदाता माने जाते हैं। मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है, तो विद्यापति को। राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है, मैथिलीशरण गुप्त को, इंपॉर्टेंट। ठेठ हिंदी में उपन्यास किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। कवि सम्राट किसको कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को कवि सम्राट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर को। हिंदी का विद्रोही कवि किसे कहते हैं, किन्हें कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना कौन सी है, रंग में भंग जो है ये मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना है। तदी समाज किसने स्थापित किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अष्ट छाप की स्थापना किसने की, विट्ठलनाथ ने। घनानंद कैसे कवि थे, रीतियुक्त। बिहारी कैसे कवि थे, रीतिबद्ध, दोनों में अंतर है। रामचरितमानस का हृदय स्थल किसको कहते हैं, किस कांड को, तो अयोध्या कांड को। आला खंड का दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो जगनिक। प्री प्रवास का दूसरा नाम क्या है, तो ब्रजांगना विलाप। पहले हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवी, नागपुर में हुआ था 1975 में। हिंदी साहित्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास है कायाकल्प। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया, दया नारायण निगम। होरी किस कहानी के पात्र है, गोदान किसकी है, ये प्रेमचंद की। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। प्रेमचंद की अधूरी कहानी कौन सी है, कफन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत। 1986 में इनको मिला चिदंबरा के लिए। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को खड़ी बोली का लोकप्रिय कवि माना जाता है। घनानंद किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल के। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है, छायावाद को। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, प्रश्न पूछा जाता है जयसिंह के। विद्यापति की पदावली है ये, इसकी भाषा क्या है, तो मैथिली भाषा में है ये। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको मानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, और अभी बहुत ही कम समय में आपने 91 प्रश्नों को पढ़ लिया। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और पसंद आया हो अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक तो नहीं कहा हमने। अगर आपको पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। भूषण और रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वीर रस के। सूरदास की सूर सागर की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा। कथा सम्राट किन्हें कहा जाता है, प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किन्हें कहा जाता है, तो माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो कामायनी महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 96, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, संत कवि के नाम से। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को। अमृतलाल नागर की किस उपन्यास में तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया था, तो मानस का हंस, ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का, तुलसीदास को जीवनी का आधार इसमें बनाया गया। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई, तो अवधी भाषा में। सर्वप्रथम किसने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी सबसे पहले। अब यहाँ पे हिंदी के कुछ पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक और प्रकाशन स्थल हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लें या फिर इसको दो तीन बार पढ़ लें। जैसे यहाँ पे पहला है उदंड मार्तंड, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई, संपादक का नाम है जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है। और ये इधर इतना है बस,
ये बंगदूत कलकत्ता से प्रकाशित, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि हंस पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई, तो बनारस से। संपादक कौन थे? प्रेमचंद। इंदु कहां से? काशी से। संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगी है सारे क्वेश्चंस का संकलन करने में, है ना। ऐसे ही देखिएगा यहां पे आदिकाल, आदिगाथा काल के कुछ प्रमुख कवियों के नाम हैं, ऐसे ही ये भक्ति काल के हैं। ये आप कम समय में अधिक प्रश्नों को आप पढ़ पाए, इसके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, पीडीएफ की अगर आवश्यकता होगी तो आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। आधुनिक काल जो है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगा क्योंकि ये सारी जो है पावर पॉइंट पर स्लाइड बनाई गई हैं, इसलिए आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। क्या करें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। इसी प्रकार से आधुनिक काल में आपके महावीर प्रसाद, इनकी जो भी रचनाएं हैं, जगन्नाथ रत्नाकर जो भी इनकी रचनाएं हैं, अयोध्या सिंह इनकी जो भी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं शायद, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपके प्रश्न, साहित्य से कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये आप खुद ही देख सकते हैं अगर आप ये सारा पढ़ करके जाते हैं। वो बात अलग कि थोड़ा सा इतना ज्यादा पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता, कई बार पूछा जाता है किसका है, सरदार पूर्ण सिंह जी का है ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। कुछ और रचनाएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनाया गया। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और पेपर वापस आकर के मिला लीजिएगा कि इस वीडियो से कितने क्वेश्चन फंसे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पे एक दूसरा चैनल सुपर टेट एग्जाम स्टडी, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।